स्टोरेज 3-18D। आज हम आपको इसका यूज़ करने का तरीका बताएंगे कि किस तरह यूज़ होता है। मदर फेसिंग करने के लिए स्कैंडल दोनों साइड भी लॉक इसके दिए हुए हैं, दोनों को एक साथ ऊपर करके आप स्कैंडल फ्रंट पे भी कर सकते हैं। ये आगे मदर फेसिंग के लिए, वापस बैक पे करने के लिए हम दोनों लॉक्स को एक साथ ऊपर आप करेंगे और ये यहाँ पर आके लॉक हो जाएगा। इसकी सीट को सिटिंग पोजिशन में करने के लिए इसकी यहाँ बैक पे ये लीवर दिया होता है, इसको खींच के आप, एक स्टेप इसका, सेकंड और ये थर्ड, तीन स्टेप पे होते हैं। ये फर्स्ट आगे ऊपर, ये सेकंड और ये थर्ड, बिल्कुल न्यूबॉर्न वाली पोजीशन आ जाती है ये। उसके बाद इसकी फुट रेस्ट को आप बिल्कुल कंप्लीट ऊपर कवर्ड कर सकते हैं, ये बंद हो जाता है पूरा ऊपर। वापस इसको एडजस्ट करने के लिए नीचे दोनों साइड पर रेड बटन दिए हुए, इन दोनों को एक साथ दबा के आप इनको नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसकी फ्रंट ट्रे निकालने के लिए यहाँ साइड पे ये लॉक दिया हुआ है इसका, दोनों साइड से आप इस लॉक को ऐसे ओपन कर देंगे तो ये ट्रे इसकी निकल भी जाती है। बेबी की सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये बेल्ट होती है, आप इसको इसमें से पास करके यहाँ से और ये बेबी को लगा के आप यूज कर सकते हैं। ये वापस लगाने के लिए फिर इसकी एडजस्ट हो जाएगी। रोटेशन अभी इसकी व्हील की ऑन है, फ्रंट व्हील की रोटेशन अगर आपको स्टॉप करनी हो इस रेड बटन को नीचे करेंगे तो इसकी रोटेशन स्टॉप हो जाएगी। अब ये रोटेट नहीं करेगा, स्ट्रेट चलेगा। रोटेशन ऑन करने के लिए बटन को ऊपर कर देंगे आप, वापस इसकी रोटेशन ऑन हो जाएगी। इसको फोल्ड करने के लिए सबसे पहले आपने इसकी सीट बिल्कुल रिक्लाइन पोजीशन में रखनी है, लेटी हुई पोजीशन में हो इस पोजीशन में। उसके बाद यहाँ पे ये रेड कलर का जो बटन दिया हुआ है इसको आपने साइड पे करना है, प्रेस करके एक साइड पे और इस लीवर को पूरा राउंड घुमा देना है। यहाँ से ये बंद हो जाएगा और उसके बाद इसकी यहाँ साइड से ये लॉक हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर ओपन करने के लिए आपने ये लॉक ओपन करना है, यहाँ से बटन आपने कोई भी प्रेस नहीं करना, सिंपल आपने हैंडल इसका पकड़ना है और ऊपर लाके इसको यहाँ पे ओपन कर देंगे। बैक व्हील में इसके ब्रेक दिए हैं, ब्रेक हो के बैक पे इसके यहाँ पे ये पॉकेट भी दिया हुआ है सामान रखने के लिए। नीचे इसके आप देख सकते काफी बड़ी एक बास्केट दी हुई है सामान रखने के लिए। और क्वेश्चन इसका वॉशेबल है, पूरा निकाल के आप इसको वॉश कर सकते हैं। ये इसको कौन से लगा हुआ है कंप्लीट आप इसको निकाल के, ये देखिए पूरा निकल जाता है, कंप्लीट निकाल के आप इसको वॉश कर सकते हैं।